नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एज ए टीच पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। वैसे तो आपको इंटरनेट पर कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए, लेकिन आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं उसकी मदद से आप आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसे सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप उस पेन ड्राइव को सिस्टम से अटैच करा लीजिए जिसे आपको बूटेबल बनाना है। जैसे कि हम इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं, इसके बाद आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है रिफ्यूज़ डाउनलोड और इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर रिफ्यूज़ की ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है और साइट के लास्ट नीचे जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो रिफ्यूज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि इस समय लेटेस्ट वर्जन 3.13 है, तो मैंने इसे डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक किया और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना है। और इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इसे यस कर देना है। और ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस में जो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं सिलेक्ट हो रही है तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है जिस पेन ड्राइव को आप लगाते हैं उसे। इसके बाद आपको जाना है बूट सिलेक्शन पे और यहाँ पे आपको विंडो का डाटा सिलेक्ट करना है। तो जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे कि मेरा डाटा डी में पड़ा हुआ है तो हम डी में जाएंगे कंप्यूटर डाटा के अंदर, और हमें अपनी पेन ड्राइव विंडो 10 के लिए बूटेबल बनानी है। तो विंडो 10 में ये रहा मेरा डाटा। ये ISO फाइल है जिसे आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जहाँ भी ISO फाइल रखी है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ थी तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे ओपन करा लेंगे। ओपन कराने के बाद आपको पार्टीशन स्कीम में जाना है और यहाँ से आपको वो पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करनी है जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे कि मेरे सिस्टम को MBR सपोर्ट करता है। यही कैसे पता करेंगे आपके सिस्टम को कौन सा पार्टीशन सपोर्ट कर रहा है? तो इसके लिए आपको जिस PC में जाना है और इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पर जाना है। मैनेज पर जाने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पर जाना है और यहाँ आपको डिस्क 0 पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको बायलूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये मेरा पार्टीशन स्टाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड है MBR। तो हम अपने पेन ड्राइव को MBR के लिए बूटेबल बनाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे MBR सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम MBR सपोर्ट करता है, तो मैंने यहाँ पे MBR सेलेक्ट किया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है और यहाँ सीधे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के समय यहाँ पे मांगेगा कि अलाउ वार्निंग देगा कि आपकी पेन ड्राइव को यहाँ पे फॉर्मेट करेगा ये, तो इसे फॉर्मेट कर देंगे। अगर आपका कोई भी डाटा पेन ड्राइव के अंदर है तो उसे पहले से कॉपी कर लें और पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दें। जैसे ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी यहाँ पर हमारा डाटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा कॉपी होकर, तो यहाँ पर रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को स्किप करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है और हमारे पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। और अब हमें इसे क्लोज़ कर देना है और सिस्टम से पेन ड्राइव को एक बार रिमूव कराना है और दोबारा लगाना है। अब आपकी पेन ड्राइव रेडी हो गई किसी भी सिस्टम में विंडो डालने के लिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक्निकल और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले।